आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाले कुख्यात बदमाश सटोरिया भूमाफिया नरेश ठाकुर पर आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन के द्वारा अवैध बने हुए मकान को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भूमाफिया एवं सटोरियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज कुख्यात बदमाश नरेश ठाकुर के कोतवाली स्थित मकान को तोड़ दिया गया। सर, एक अतिक्रमण मुहिम की कार्रवाई चल रही है कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघई कॉलोनी में। नरेश ठाकुर का एक 3 मंजिला मकान है और नरेश ठाकुर के विरुद्ध जुआ सट्टा के 60 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। उसके विरुद्ध पिछले दिनों ही कार्रवाई की गई है और उसके बाद नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि अतिक्रमण करके बनाए हुए हैं, तो अतिक्रमण किया गया हिस्सा नापजोक करके उसको हटाया जा रहा है और इसमें पुलिस सहयोग में लगी हुई है। जी बिल्कुल, आज अतिक्रमण कार्रवाई करने पर क्या कुछ है मामला? आज माफिया विरोधी अभियान के तहत ये अपना निवाड़गंज सब्जी मंडी के पास नरेश ठाकुर जो कि भूमाफिया में है और इनका जो मकान है अनाधिकृत मकान, वो तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग मकान 650 स्क्वायर फुट में है और 1800 स्क्वायर फुट में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो आज इसे हटाया जा रहा है। क्या अवैध तरीके से बना है? हाँ, अवैध तरीके से बना है, नक्शा स्वीकृति नहीं। क्या मुकदमे वगैरह कुछ क्या क्या है? इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसके लिए आपको पुलिस प्रशासन संपर्क करना। कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? हाँ, नोटिस वगैरह सब कुछ दिया गया, इवन इसके साथ इन्हें पर्याप्त समय भी दिया कि आप अपना पक्ष रख सकें, किंतु इनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया, ना ही संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए भूमि संबंधित, इसलिए आज इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।